So guys, welcome back to my YouTube channel. This is your host and dost Vishwendra Rawal. And aaj we will talk about cross-site scripting. And मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि सिक्योरिटी का बग बाउंटी का फेस शुरू कर दूँ. सो पेड और नॉन पेड के चक्कर में मैं थोड़ा डिले किया, बट आई नाउ फाइनलाइज कि अनपेड ही होगा. एंड जस्ट टू हेल्प यू गाइज, तो मेरा एम सिर्फ आप लोगों को अच्छे से समझाना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, ना कि उससे कुछ ऐसा फ़ायदा उठाना. तो इसलिए मैं इसको अनपेड रखूँगा इन वीडियोस को जो बग बाउंटी के. इन फर्दर एडवांस कोर्सेज जो होंगे उनमें शायद मैं पेड रखूँ, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और टाइम भी और हार्डवर्क भी. सो अभी के लिए आई स्टार्ट आउट विद एक्सेसेस. एक्सेसेस एक शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं, इसको हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं. तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज लाइक जब कभी भी जो भी इंटरनेट का ऑपरेशन होता है उसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है. तो क्लाइंट इज द यूज़र जो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, तो उसका इंटरफेस. जैसे वेबसाइट आप यूज़ करते हो तो आपके सामने वेबसाइट आती है, तो उसमें फंक्शनैलिटीज होती है, वो आपको दिखती हैं, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, साइनअप कर सकते हो. ऐसे ही वो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं डेटाबेस और सर्वर से. सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट एंड सर्वर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, एंड वो डेटाबेस से क्वेरीज के थ्रू वैल्यूज़ निकालता है और आउटपुट देता है. जैसे आपने लॉगिन किया तो उसको कैसे पता कि आपके पासवर्ड कहाँ पे सेव है, तो डेटाबेस में स्टोर होते हैं वो सब. तो जैसे आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी सर्वर को, सर्वर ने देखा कि आपने उसने ऑथेंटिकेट आपने जो वैल्यूज़ डाली हैं क्या वो सही हैं कि नहीं है, मेल एड्रेस हो गया या फिर आपका पासवर्ड हो गया वो करेक्ट है कि नहीं, तो वो डेटाबेस में क्वेरी डालता है, मैच करके देखता है. इफ़ दे आर करेक्ट, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है ओके 200 मैसेज के साथ. सो उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो भी क्लाइंट एंड पे आप कुछ भी अगर इंजेक्ट करते हो ऐसी स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट आई मीन HTML भी हो सकती हैं, वो JavaScript भी हो सकती हैं वो स्क्रिप्ट, एंड तो आप उनकी हेल्प से एक कोड इंजेक्ट करते हो. जैसे आपका सर्च का ऑप्शन हो गया या लॉगिन पेज हो गया या साइनअप पेज हो गया, जैसे ही आप वो स्क्रिप्ट अगर वो उसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है तो वो सीधा सीधा आपको एक पॉपअप ऐसा करके दिखाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये वेबसाइट में ही ऐसी कोई फंक्शनैलिटी है, एंड उसमें एक लिंक दिया होगा जो कि एक फेक वेबसाइट का होगा. तो अटैकर उसको लिंक को उस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू डालेगा एंड आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप इस लिंक को ओपन करो. आप जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे उसमें एक और लिंक दिया होगा, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस लिंक से एंड आपको लगेगा कि बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, बिल्कुल एकदम क्लोन हो जाती हैं. सेम वेबसाइट बना सकता है कोई भी किसी भी वेबसाइट को लेकर, तो वो क्लोन हो जाती हैं क्योंकि सोर्स कोड डिस्क्लोज होता है सब चीज़ों का, ओपन सोर्स है एंड आप क्लोनिंग कर सकते हो वेबसाइट की. तो ये सारी चीज़ें अनएथिकल लोग करते हैं. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत तरह की होती हैं. तीन कैटेगरी मेन होती हैं, एक रिफ्लेक्टिंग, दूसरी स्टोर, तीसरी होती है हमारी डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग. सो रिफ्लेक्टेड इज लाइक सिर्फ वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कहीं पे स्टोर नहीं. जैसे मैंने साइनअप किया तो साइनअप की डिटेल मेरी स्टोर हो गई, तो मैं जब भी उस पेज पे जाऊँगा तो वो एक्सेसेस अपने आप पॉपअप होएगा. बट रिफ्लेक्टेड के केस में ऐसा नहीं होता. रिफ्लेक्टेड में यूज जो अटैकर है उसको लिंक भेजना ही पड़ेगा और आपको वो स्पेसिफिक लिंक ही खोलना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो स्टोर नहीं है कहीं पे भी. जबकि तो ये दोनों ऑपरेशन जो हैं वो सर्वर एंड पे ही होते हैं, रिफ्लेक्टेड भी और स्टोर्ड भी. जो डॉम है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग. तो क्लाइंट एंड पे आपने रिक्वेस्ट करी और क्लाइंट ही उस रिक्वेस्ट का रिजल्ट दे रहा है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेज के. आपने ऐसी स्क्रिप्ट डाल रखी है. आजकल एडवांस जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनमें क्या होता है कि हैशटैग करके आपने देखा हो 4-5, तो वो स्क्रोल डाउन कर देता है आपको डायरेक्ट नीचे. तो क्लाइंट साइड ऑपरेशंस होते हैं वो, उसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो वो क्या होता है कि आप जल्दी से चीज़ें एक्सेस कर पाओ इसलिए करते हैं.
तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग सिर्फ इस चीज़ में आता है, ये भी रिफ्लेक्टेड की तरह ही होता है बट इसमें डॉम होता है, तो सारे ऑपरेशन रिक्वेस्ट से लेके रिजल्ट वो सब उसी में आते हैं। Guys, now I'll show you how to practically implement XSS. So using Burp Suite, you know, I have earlier in my videos told you about the Burp Suite, how you can use those. So Burp Suite basically intercept all the requests and you would be able to find out the parameters, all the parameters over there. So over here, as you can see, keyword is the parameter, and this is the payload, JavaScript payload, which I've used to exploit this XSS vulnerability. So there is a XSS vulnerability in this website, and since you can see there is a pop-up, so this script basically, you know, pop up this thing. So once this pops out, you know, an attacker can insert a URL instead of these numbers, and the victim will, you know, genuinely like was going through this website, or he gets the link of this website and it seems to be like a genuine website to me. But once I click on a URL over here, it will redirect me to a different website which is a cloned one and looks similar to this website. So you know, in this way, this is the basically the impact of this vulnerability, and if it is stored, that is more harmful, because it is stored on their server, and every time once you go to that page, it will pop up again and again and again. And in the reflected one, the attacker needs to, you know, share this link with the victim to exploit this vulnerability. So reflected comes under mostly into P4 category or P3 based upon the impact. And sometimes, you know, stored one comes under P1 because of the impact they created. So this is all about the reflected and the stored and DOM. So I hope, you know, I am able to clear all the doubts of yours, and genuinely expect you guys to do the testing on the web, genuine websites where you have the prior approval from the team or the website. So you can look for the disclosure, vulnerability disclosure programs, or you can reach out to Bug Crowd or HackerOne, which sponsor these things. So thank you very much, guys. Please like, share, comment, and subscribe is important for me. Keep supporting me. Keep